जनपद संभल की चंदोसी नगर पालिका परिषद में 74वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया गया। चेयरपर्सन ने किया ध्वजारोहण। सारे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम मची हुई है। हर तरफ इस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जनपद संभल की चंदोसी नगर पालिका परिषद में भी 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष इंदु रानी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मौके पर सभी स्टाफ मौजूद रहा। इस विषय में अध्यक्ष इंदु रानी ने कहा कि भारत हमेशा से शक्तिशाली रहा है और रहेगा। इस मौके पर उन अमर शहीदों और उनके परिजनों को नमन करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को स्वतंत्रता दिलाई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या करेंगे? मैं इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये भारत हमेशा शक्तिशाली रहा है, रहेगा। और क्योंकि सहनशीलता और त्याग बहुत ज़रूरी है, वो हमारे भारतवासियों में है। और जहाँ देश का मुखिया सशक्त, तेजस्वी और इतना संवेदनशील हो, लोकप्रिय है सभी के लिए, तो वहाँ आज का दिन स्वतंत्रता का जो 74वां दिवस मना रहे हैं, आज शहीदों को नमन करने का दिन है। शहीदों के चरणों में नमन करें, उनके परिवार वालों के चरणों में नमन करें, क्योंकि उनके ही त्याग और बलिदान से आज हम आज़ादी का जश्न मना पा रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी से हम लोगों ने निजात पाने की ओर है, आगे भी हमें अपने विकास की ओर चलना है। आज देखिए हमारे देश में जो चीज़ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो चीज़ें हासिल हुई हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई, 35A हटाई गई। अयोध्या में जो मंदिर के लिए कभी कोई सोच नहीं सकता था, जहाँ इतना संघर्ष हुआ, इतने बलिदान हुए, उसके बाद आज उसका भी शिलान्यास हो चुका है। ऐसी बहुत सारे संकट आए, चाहे कोई भी पाकिस्तान रहे, चीना रहे, चाइना रहे, कोई भी विदेशी शक्तियाँ आक्रमण करेंगी, उसके लिए राफेल भी आ गया है। तो हम हर तरह से निपटने के लिए भारत तैयार है और भारत में इसी तरह से सब सहयोग करते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहेंगे और आज़ादी का जश्न मनाएंगे। और साथ में एक दूसरे का सहयोग और ध्यान अवश्य रखना है। जय हिंद, जय भारत। आज नगर पालिका कर्मचारियों को कोरोना सम्मान दिया गया है। हाँ, जो नगर पालिका परिषद कर्मचारियों को कोरोना सम्मान दिया गया है। हाँ, वो देखिए, ये तो प्रशस्ति पत्र दिया गया, बाकी साधुवाद के पात्र हैं, वो सामान्य के पात्र हैं, क्योंकि हमारे अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका का एक एक अधिकारी, नगर पालिका का एक एक कर्मचारी इस कोरोना वायरस COVID-19 के तहत, चाहे से हमारे COVID-19 के कितने भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, हर जगह सेवा में उपलब्ध रहा है। चाहे आधी रात रही हो, दिन रहा हो, हर टाइम में पूरी सेवा का कार्य किया है। स्वच्छता से लेकर उनकी सेवा कार्य करना, उनकी भोजन की व्यवस्था करना, सोने की व्यवस्था, मेरे अधिशासी अधिकारी, मेरे ऑफिस के बाबू और सफाई कर्मचारी, सब लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने स्वास्थ्य की जान की परवाह नहीं की और कोरोना से जो पीड़ित थे उनकी सहायता की है और मदद की है। मैं कहती हूँ हर मनुष्य को ऐसी भावना रखनी चाहिए, एक दूसरे के सहयोग से ही सब सुरक्षित रहते हैं और स्वतंत्र रहते हैं और स्वस्थ रहेंगे। इसी भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिए।